मेरी एक कहानी है जिसको आप MBBS सक्सेस स्टोरी कह सकते हो। तो ये बात है फरवरी 2024 की, जिस दिन मेरा MBBS का लास्ट डे था और मेरे बैच का फ़ोटो शूट होने वाला था। यानी उस दिन हमारे MBBS के थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और प्रैक्टिकल वाइवा बचा हुआ था। तो बीच में एक दो दिन का गैप था जब हमारे बैच ने डिसाइड किया कि हम फ़ोटो शूट कराएंगे। सारे बैच मिल के हमारे कॉलेज में IMS में इकट्ठा होंगे और हम उस दिन बैच फ़ोटो कराएंगे, और जिसको जिसके साथ फ़ोटो लेना है ले। तो इसके लिए मैं चाहती थी कि मैं नया एप्रन ले लूं, क्योंकि अब MBBS ख़त्म हो चुका था तो मैं डॉक्टर ज़ेबा फ़ातिमा बनने वाली थी, एंड नया एप्रन तो बनता ही है। देन आई वेंट, जल्दी जल्दी से मैं शॉप पे गई और मैंने नया एप्रन ख़रीद लिया। और ख़रीदते टाइम एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी ना, कि ठीक इसी टाइम अगर मैं 4-5 साल पहले जाऊँ, वेन आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट, तब मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि मैं किसी भी उन स्टूडेंट से बात करना प्रेफर नहीं करती थी जिनका नीट में सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि मैं अपने आप को कम समझती थी ना, लाइक कि मैं अभी भी वहीं की वहीं हूँ और वो लोग MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे जिन मेरे फ्रेंड का पहले सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये वो दिन आया जब मैं खुद एक मेडिकल ग्रेजुएट बन गई हूँ। ऑल दो डिग्री नहीं मिली है, क्योंकि डिग्री इंटर्नशिप के बाद मिलती है, पर हमारा 4.5 साल का MBBS का कोर्स ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका था। इसके बाद हमें इंटर्नशिप करनी है, जिसमें हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होने थे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और जो भी वार्ड में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब थ्योरी थ्योरी से तो काम नहीं चलना था, अब तो हमें चाहिए प्रैक्टिकल चीज़ें, है ना। तो मैं कभी इस बात से रिग्रेट नहीं करती हूँ अब कि मैंने ड्रॉप लिया है या फिर मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। आई एम डॉक्टर नाउ, और अब से लेके जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मैं डॉक्टर ही रहूँगी। तो ये फीलिंग ना मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं होने देती कि मेरा टाइम लॉस हुआ या जो भी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो बिना किसी डर के, और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ये ड्रॉप ईयर्स कहीं काउंट नहीं होने हैं। आपके किसी रिकॉर्ड पे नहीं लिखा होगा कि आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, या फिर कभी आपका कोई पेशेंट आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि डॉक्टर साहब आपने कितने साल लगाए थे नीट की तैयारी करने में, या आपने कितने साल लगाए थे, कितना वेस्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। सो बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत करने से पीछे मत हटो, क्योंकि नीट में आप जितना पढ़ते हो ना, MBBS में आके आपको उसका कई गुना ज़्यादा पढ़ना होता है। बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो ना तो आपको काम की तरह नहीं पढ़ना है। हाँ, आई डू एग्री कि नीट UG में क्या होता है कि बच्चों को फिज़िक्स नहीं पसंद होता है, लेकिन नीट UG क्रैक करने के लिए फिज़िक्स ज़रूरी होता है, तो ठीक है वो एक ऑब्स्टेकल है। लेकिन जब आप MBBS में आ जाते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट पसंद है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनने के लिए आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और सब आपको पसंद आएंगे। कुछ थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी का कुछ फेवरेट है, किसी का नहीं है, जो भी है। तो बाकी MBBS रिलेटेड कहानी कभी और बताऊँगी, आज तो मैं ये बता रही हूँ कि बस वो दिन था जब मैं एक टाइम था कि किसी से बात करने में डरती थी, बिल्कुल किसी से कांटेक्ट नहीं रखती थी, और अब मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट बन चुकी थी। तो फाइनली उस दिन ना थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब घर चली जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हॉस्टल में रुक रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे थोड़ा सा कम पढ़ाई होती है और हॉस्टल में सब पढ़ रहे होते हैं तो उनको देख के एनर्जी मिलती है ना। तो उस चक्कर में एग्ज़ाम, जब थ्योरी एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो आई वेंट टू माई होम और मैं अपने सारे फ्लावर्स, अपने पेड़ पौधे सबको विज़िट कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दिन बाद घर गई थी और मेरे पापा ने बहुत नए नए सारे पौधे लगा दिए थे घर में, जिसका वीडियो मैं अलग से कभी दिखाऊंगी आप लोग को। लेकिन हाँ, और भी MBBS रिलेटेड कहानियाँ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ।